हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। फ्रेंड्स, इन दिस चैनल आई विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कम्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम और सेशनल और सेमेस्टर्स एग्जाम्स ऑफ नर्सिंग। फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली, एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस फर्स्ट वी विल सी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पेरेंट्स और फैमिली, देन वी विल सी अबाउट इम्पैक्ट्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट अबाउट इम्पैक्ट्स ऑफ पेरेंट्स और रिस्पॉन्स ऑफ पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यू टू मैनी फैक्टर्स विच इंक्लूड्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड्स इलनेस। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि हॉस्पिटल में जाने के बाद फैमिली पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है और बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैमिली पे यानी पेरेंट्स पे क्या उसका असर होता है हॉस्पिटल का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बच्चे पे क्या असर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फैमिली पे देखें, पेरेंट्स पे, तो सबसे पहले पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि बच्चे को कौन सा बीमारी है, उससे रिलेटेड उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू चाइल्ड्स इलनेस, उन्हें नॉलेज नहीं होती है। फियर ऑफ प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ चाइल्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा फियर होता है पेरेंट्स को कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा बच्चे को। नेक्स्ट है फियर ऑफ व्हाट विल हैपन टू चाइल्ड इन फ्यूचर, पेरेंट्स को इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर होता है कि अब क्या होगा फ्यूचर में बच्चे के साथ। नेक्स्ट है फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम चाइल्ड। नेक्स्ट है फियर ऑफ अ स्ट्रेंज एनवायरमेंट इन हॉस्पिटल। ओके, तो पेरेंट्स को इस बात का भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि बच्चे के साथ फ्यूचर में क्या होगा। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल बर्डन होता है, ठीक है, इन इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती है उनकी। उसके अलावा बच्चे उनसे अलग होते हैं, ठीक है, तो फियर ऑफ सेपरेशन होता है, उन्हें उनके दूर जाने का डर होता है पेरेंट्स में। इसके अलावा एक स्ट्रेंज इन्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल, तो उस स्ट्रेंज इन्वायरमेंट की वजह से थोड़ा बहुत डर होता है पेरेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा जो है दे आल्सो फील एंजाइटी फियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी फियर डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। नेक्स्ट है दे फील हेल्पलेस ड्यू टू सेपरेशन एंड दे थिंक दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड केयर टू दियर चाइल्ड, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं क्योंकि बच्चे उनसे दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, और वो उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से प्रॉपर केयर जो है नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और नहीं दे पाते, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंट्स मे सो एंगर हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स मेम्बर्स ऑफ हेल्थ टीम इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द चाइल्ड। ठीक है, अगर जो भी हेल्थ टीम है जो बच्चे को केयर दे रही है, अगर उनसे थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो एंगर दिखा सकते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, उन्हें डर होता है बच्चे का दूर होने का। ठीक है, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, पेरेंट्स फील गिल्टी एंड ब्लेम देमसेल्फ एज इफ द चाइल्ड्स इलनेस इज बिकॉज ऑफ देम, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी वजह से हुई, वो अपने आप को, वो बच्चों को अच्छे से केयर नहीं दे पाए, इस वजह से हुई। ओके, द एंशियस पेरेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज बाय ट्रेम्बलिंग बेबी वॉइस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और अग्रेसिव बिहेवियर्स टुवर्ड्स दोज केयरिंग फॉर द चाइल्ड, जो भी पेरेंट्स हैं वो एंशियस होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो वो किस तरह से देखा जा सकता है, उनकी वॉइस जो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाएगी, रेस्टलेसनेस फील करेंगे, इरिटेबिलिटी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होगा जो भी उनके बच्चों का ख्याल रख रहे हैं उनके प्रति। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या देखें डियर, यहाँ पे हम क्या क्या देखें फ्रेंड्स कि पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का। तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एंगर हो रहा है, और हॉस्टाइल और एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ सेपरेशन है,
और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्यों हो रहा था उन्हें? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, फियर ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड की वजह से, क्या होगा फ्यूचर में उसकी फियर की वजह से, फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम चाइल्ड की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेंज इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें फियर हो रहा था, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा था। तो ये हम देखें कि पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि चाइल्ड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन का।